नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करेंगे 100 भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की। इसमें उन महत्वपूर्ण सवालों का संकलन किया गया है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए हैं और जिनकी संभावनाएं आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बनी हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है, तो इसको आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि हर एक सवाल अपना एक अलग महत्व रखता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। पहला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया? भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो संविधान सभा पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। ठीक है, 284। नेक्स्ट है, अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे? तो कुल अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो किसी भी धर्म को स्वीकार ना करना धर्मनिरपेक्षता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? या औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार किसने प्रतिपादित किए थे? तो इसका सही जवाब है M.N. रॉय ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, कांग्रेस के द्वारा किस वर्ष किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर है 1936 में। कब किया गया? 1936 में। नेक्स्ट है, 1938 में किसने वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान सभा के गठन की जो मांग की गई वह की गई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? तो ये किस योजना के तहत स्वीकार किया गया था कि निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? इसका सही आंसर है क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो संविधान सभा के गठन की जो मांग सबसे पहले की गई वह की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारतीय संविधान सभा गठित हुई उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था कैबिनेट मिशन जो था 1946 का वह। नेक्स्ट है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर की गई? तो 1936 का जो कांग्रेस अधिवेशन था फैजपुर का, वहां पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या होनी थी वह होनी थी 389। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माण के लिए कुल कितना समय लगा? तो जो संविधान भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट सवाल है, जिस सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा नामित सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा हुआ था? तो जो विभिन्न प्रांत की विधानसभाएं थी उनके द्वारा, जो नामित सदस्य थे उनके द्वारा निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, भारत के संविधान सभा की संरचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा का सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया गया स्वराज्य पार्टी 1924 में। ठीक है, किसके द्वारा? स्वराज्य पार्टी के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसको कहते हैं? तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट आपको रखना है। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 नवंबर को यह बनकर तैयार हो गया था 1949 में, तो ये 1950 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है क्योंकि 30
जो 1930 में कांग्रेस ने 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और इसके बाद प्रतिवर्ष 26 जनवरी को यह गणतंत्र के रूप में जो है मनाते थे। तो यही कारण है कि जो गणतंत्र दिवस था वह मनाया गया 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में महिला सदस्य कुल कितने थे? तो भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। एक सवाल है, संविधान का कौन सा भाग उसकी आत्मा कहा जाता है, या किस भाग को, संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उसकी आत्मा कहा गया? तो इसका सही आंसर है संविधान के प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया? तो संविधान सभा ने सबसे ज्यादा प्रस्तावना पर ही ध्यान दिया है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो कहां से शुरू होती है? यह शुरू होती है हम भारत के लोग, ठीक है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता स्थापित है। नेक्स्ट सवाल है, भारत गणतंत्र क्यों है, भारत को या फिर हम गणतंत्र क्यों मानते हैं, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र क्यों कहलाता है? तो इसका सही आंसर है क्योंकि राज्य का प्रमुख एक निर्धारित समय के लिए नियुक्त होता है, ना कि यह वंशानुक्रम चलता रहता है। नेक्स्ट है, भारत कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की श्रेणी में आता है। भारत कैसा राष्ट्र है? धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इसमें कांग्रेस के कितने सदस्य निर्वाचित होकर आए 292 में से? तो इसमें से कुल आए 208। जो कांग्रेस के सदस्य निर्वाचित हुए कितने हुए? 208। नेक्स्ट है, पुनर्गठित संविधान सभा में देशीय रियासतों के कितने सदस्य थे? जो पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें कुल 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। अगला सवाल है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने सदस्य थे? तो विभिन्न प्रांतों के जो सदस्य थे वो 229 थे, जो पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें। नेक्स्ट सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान को बनाने वाली परिषद थी उसमें प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात निर्धारित था, या फिर कितने का प्रतिनिधित्व करेगा? तो जो प्रतिनिधित्व था वह 10,00,000 जनता पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इसका जो प्रतिनिधित्व था वह सबसे अधिक था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद जो देशी रियासत थी उसने भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? हैदराबाद। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीन देशी रियासतें थी जो सबसे लास्ट में शामिल हुई थी। नेक्स्ट है सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में कहां से हुआ था? महत्वपूर्ण सवाल है, संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो कहां से हुआ था? तो यह हुआ था पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट सवाल है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने, क्योंकि वो एक अपना अलग संविधान चाहते थे, इस वजह से संविधान सभा का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा का निर्वाचन किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ वह वर्गीय मताधिकार के अनुसार किया गया था, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के अलग अलग मताधिकारों के निर्णय से उसका निर्वाचन हुआ। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल था वह अध्यादेश जारी कर सकता था? तो इसका सही आंसर है, जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था उसमें भारत के गवर्नर जनरल को यह जो है शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट है, और यहाँ पर गवर्नर जनरल की जगह अगर वायसराय कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि 1858 का जो ताज शासन जब आरंभ हुआ उसके बाद से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। तो इस प्रकार से 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था
उसमें जो वायसराय था वह अध्यादेश जारी कर सकता था। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य कैसे निर्वाचित हुए थे, तो संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में जो हस्ताक्षर हुए थे पूना समझौता में, उसका मुख्य प्रावधान क्या था, तो पूना समझौता हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के नियम के अनुसार इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य समझौता हुआ था, जिसको पूना समझौता के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो यह था जो 1786 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद यह आया और इसमें जो गवर्नर जनरल था उसको यह अधिकार प्राप्त था कि वह समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो यह निर्मित हुई संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान किसके द्वारा बना, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, तो यह संपन्न हुआ 1946 में। कब संपन्न हुए, 1946। अगला सवाल है संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि वरिष्ठतम थे, इस वजह से उनको जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुआ था, दिल्ली में। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जैसे अभी हमने बात की सच्चिदानंद सिन्हा जी, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ, तो इसकी जब चर्चा अभी हमने की। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जो सच्चिदानंद सिन्हा जी, और स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त हुए। अगला सवाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, तो अभी हमने चर्चा की 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह थे वी एन राव। कौन थे, वी एन राव। नेक्स्ट है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी, तो संविधान सभा ने जो समितियां नियुक्त की थी वो कुल 13 थी। ठीक है, संविधान के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए कुल 13 जो समितियां थी उनकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी संविधान सभा की, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे, तो संविधान सभा के सभी निर्णय जो थे वो सहमति एवं समायोजन के आधार पर लिए जाते थे, सबकी सहमति और समायोजन के बाद ही संविधान सभा का कोई निर्णय आगे बढ़ता था। नेक्स्ट सवाल है संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया और स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है भारत को संविधान प्रदान करने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया, तो भारत को संविधान प्रदान करने का जो प्रस्ताव था वह 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना संविधान सभा के द्वारा कब मानी गई, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की जो अभिकल्पना है वह संविधान सभा ने स्वीकृत की। नेक्स्ट है कब महारानी विक्टोरिया को भारत के शासन की मुखिया घोषित किया गया, तो 1857 के प्रथम जो स्वतंत्रता की क्रांति थी उसके बाद 1858 का जो भारत प्रसाद अधिनियम था उसमें महारानी विक्टोरिया को भारत के शासन की मुखिया घोषित किया गया। नेक्स्ट सवाल है 1909 का भारत शासन जो अधिनियम था अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यह था पृथक निर्वाचन प्रणाली।
मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट सवाल है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है वह मार्ले मिंटो सुधार में लाया गया, मतलब 1909 में। नेक्स्ट सवाल है, 1919 का भारत परिषद अधिनियम अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। मॉन्टेग्यू जो कि सचिव थे भारत के इंग्लैंड में और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट सवाल है, प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्यों की संख्या थी। नेक्स्ट सवाल है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया वो रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला सवाल है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, तो उनके सदस्य कौन कौन से थे? तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो थे लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये 3 लोग इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत का शासन किसके अंतर्गत चला? जब तक मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ भारत का संविधान और 1947 में भारत आजाद हो गया, तो इन दोनों के मध्य जो शासन हुआ वह हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, उसके नियमों के द्वारा यह चालू हुआ। नेक्स्ट है, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो भारत को सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की जो योजना है वह जानी जाती है माउंटबेटन योजना के नाम से। किस नाम से? माउंटबेटन योजना के नाम से। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रस्ताव किसने शामिल किया गया? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। नेक्स्ट है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में जो सचिव का पद था वह भारत सरकार अधिनियम जो 1858 था, जब ताज शासन आरंभ हुआ, उसमें निर्मित किया गया। नेक्स्ट है, संघीय प्रणाली का प्रथम प्रयास कब किया गया? संघीय प्रणाली का प्रथम प्रयास कब किया गया? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है, 1922 में किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार ही होगा? तो यह कहा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? तो यह मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रांतों में दोहरा शासन, और केंद्र में दोहरा शासन किसमें हुआ? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। तो प्रांतों और केंद्र में दोहरे शासन में डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, किस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की है मुख्य विशेषता। तो दोस्तों, आज हमने बात की भारतीय राज्य व्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण सवालों की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो इनको आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपके काम आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।